हाय बच्चे लोग कैसे हो आप सभी लोग उम्मीद करता हो अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है राहुल जयसवाल एंड मैं इस चैनल को रन कर रहा हूँ लेकिन आपको पता होगा कि इस चैनल पे एक आपके लिए बहुत ही टैलेंटेड मैडम यानी प्रिया मिश्रा मैडम अवेलेबल है तो वो आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहे तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियोज़ को जितना हो सके पूरा देखो और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करना ठीक है तो फटाफट से पढ़ाई करते रहो हेलो नेम इज प्रिया एंड वेलकम टू जे आर जूनियर्स कैसे हो आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे सो so, आज का लेक्चर है Standard के लिए Max का so, पढ़ेंगे आज हम इसमें इस भी हम डिवीजन सीखेंगे जैसे हमने प्रीवियस टू लेक्चर्स में सीखा है और ये है हमारा इसी डिवीजन पार्ट टू चैप्टर का थर्ड वीडियो लेक्चर नंबर थ्री और अगर आपने लेक्चर नंबर वन एंड टू नहीं देखा है तो प्लीज उसको देखिए अच्छे से समझिए एंड थर्ड वीडियो भी देखिए ओके सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम इसी चैप्टर में हमने और इससे बेसिक जो डिवीजन के टू टू नंबर्स के ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे सॉल्व किए हुए हैं इसके पहले हमने एक और लेक्चर किया था लेक्चर नंबर टू उसमें हमने भी ऐसे ही कुछ सिमिलर क्वेश्चंस किए हुए थे बट उसमें रिमाइंडर हमें जीरो मिल रहा था इजीली ओके सो आज हम करने वाले हैं इस टाइप के क्वेश्चंस जो कि वैसे ही है बस आपको क्या आना चाहिए टेबल आना चाहिए और कुछ भी नहीं बस फटाफट से सॉल्व कर देंगे हम सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बट सारे सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं तो मैं आप लोगों को कुछ फोर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी और जितने भी बचे हुए क्वेश्चन रहेंगे वो लोग वो आप पूरा अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे ओके सो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि हमें फोर नाइन्टी फोर को डिवाइड देना है किससे फोर से देना है फोर से क्या करना है डिवाइड देना है फोर नाइन्टी फोर को तो इसके लिए क्या आना चाहिए फोर का टेबल आना चाहिए और फटाफट -फड़ से हम डिवाइड देना स्टार्ट कर देंगे सो so, क्या फोर के टेबल में फोर आता है यस yes, आता है कितने टाइम्स में आता है वन टाइम्स में आता है तो ऊपर आ जाएगा वन एंड नीचे आ जाएगा फोर एंड देन क्या करेंगे हम माइनस करेंगे सो so कर दिया हमने माइनस फोर में से फोर माइनस किया तो कितना बच जाएगा जीरो बच जाएगा तो यहां आ गया हमारा जीरो देन देन हमें क्या करना है हमारा जो सेकेंड नंबर है उसको लेके आना है हमारे सेकेंड स्टेप पे आपको टू टू नंबर से डायरेक्ट नहीं करना है आपके लिए टफ हो जाएगा सो so, आप क्या करेंगे वन वन नंबर से करेंगे स्टेप वाइज करेंगे जैसे जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ जैसे ये हमारा सेकेंड नंबर आ जाएगा हमारे सेकेंड स्टेप पे ओके देन थर्ड नंबर को क्या करेंगे थर्ड स्टेप पे ला के सॉल्व करेंगे सो so, हमारा सेकेंड नंबर क्या है नाइन है तो so, नाइन आ जाएगा यहाँ पे अब आप लोग बताइए क्या फोर के टेबल में नाइन आता है नहीं आता है तो क्या करेंगे उसका जो नियरेस्ट नंबर होगा उसका जो सबसे पास का नंबर होगा वो करेंगे वो वो यहाँ पे हम क्या करेंगे डिवाइड देंगे उस नंबर से ओके सो so फोर के टेबल में सबसे नाइन के सबसे पास का नंबर क्या है एट है और वो कितने टाइम्स में आता है टू टाइम्स में आता है तो ऊपर क्या आ जाएगा टू एंड नीचे आ जाएगा एट देन क्या करेंगे हम माइनस करेंगे जिसमें हम माहिर हो चुके हैं अभी बहुत सारा डिवाइड कर करके सो so, नाइन में से एट गया तो वन बचा हमारा रिमेनिंग यहाँ आ गया वन एंड देन हमारा ये नंबर कहाँ आ जाएगा थर्ड नंबर थर्ड नंबर आ जाएगा यहाँ पे हमारा फोर्टीन जो कि बन गया है फोर ऊपर से आके और यहाँ का वन रिमेनिंग बच के क्या बन गया ये फोरटीन बन गया अब हमें क्या सोचना है क्या फोर के टेबल में फोर्टीन आता है नहीं आता है उसका पास का नंबर कौन सा आता है ट्वेल्व आता है कितने टाइम्स में आता है आता है थ्री टाइम्स में तो यहां आ गया हमारा ट्वेल्व ओके देन क्या करना है हमें माइनस करना है हमें बस इतना याद रखना है अगर कोई नंबर नहीं आ रहा है उस टेबल में जैसे कि यहाँ पे फोर्टीन के टेबल फोर के टेबल में फोर्टीन नहीं आता तो हमें क्या याद रखना है कि उसके पास का नंबर कौन सा आता है कम उसके पास का कम नंबर कौन सा आता है ओके सो so, ये आप याद रखेंगे तो बहुत इजीली आप क्या करेंगे सारे डिवाइड को फटाफट फड़ से सॉल्व कर लेंगे ओके सो so, अब हमें क्या करना है माइनस करना है टू फोर में से टू uh, को माइनस करेंगे कितना बच जाएगा बच जाएगा टू तो यहाँ आ गया टू एंड वन में से वन गया तो जीरो सो so, हमारा रिमाइंडर क्या आ गया टू आ गया और ऊपर हमारा आंसर क्या है वन टू थ्री ओके वन ट्वेंटी थ्री आई होप कि आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ गया होगा और ये तो अगर अच्छी तरह से ये समझ गया तो ये आप फटक से सॉल्व कर लेंगे बट फिर भी मैं सॉल्व कराऊंगी जिनको अच्छी तरह से क्लियर नहीं हुआ उनके लिए ओके सो सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें डिवाइड देना है एट हंड्रेड फिफ्टीन को डिवाइड देना है किस से टू से देना है ओके okay? टू से डिवाइड देना है इसके लिए क्या आना चाहिए टू का टेबल आना चाहिए ओके okay? सो so, क्या करते हैं हम फटाफट -फड़ से टू से डिवाइड देते हैं क्या टू के टेबल में एट आता है यस yes, आता है बट कितने टाइम्स में आता है वो आता है फोर टाइम्स में टू वन ज़ा टू 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 ज़ा फोर टू थ्री ज़ा सिक्स एंड टू फोर ज़ा एट सो so, फोर आ जाएगा ऊपर एंड नीचे क्या आ जाएगा एट आ जाएगा और अब हमें क्या करना है माइनस करना है तो एट में से एट गया तो सीरो एंड ऊपर का सेकंड नंबर कहाँ आ जाएगा यहां आ जाएगा अब आप लोग बताएंगे क्या टू वन को डिवाइड दे सकता है क्या टू के टेबल में वन आ सकता है नहीं आ सकता है तो क्या करेंगे हम अगर कोई नंबर अगर कोई नंबर किसी टेबल में नहीं आता है वो बहुत छोटा नंबर है नहीं आता है तो हम क्या करेंगे हम करेंगे उसको जीरो से डिवाइड ओके okay? उसको क्या कर देंगे हम जीरो से डिवाइड कर देंगे इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है क्योंकि आपको समझ आना चाहिए इस टाइप का भी डिवीज़न ओके सब अभी वन नहीं आता है टू के टेबल में तो हम करेंगे उसको जीरो से डिवाइड तो हमने अगर इसे जीरो से डिवाइड दे दिया मीन्स कि ज़ीरो नीचे भी आ जाएगा ज़ीरो ऊपर भी आ जाएगा समझ गया अब क्या करना है हमें अब करना है इसको माइनस अब बताइए क्या वन में से ज़ीरो गया तो कितना बचा वन में से ज़ीरो गया तो कितना बचा वन ही बचेगा सो आ गया हमारा वन यहाँ पे आ गया हमारा वन अब क्या करेंगे हम हमारे थर्ड नंबर को ऊपर से नीचे लेके आते हैं जो कि है फाइव और वो नीचे आके क्या बन गया फिफ्टीन बच बन गया क्यों क्यों क्योंकि यहाँ का वन यहाँ पे आ गया माइनस होके तो ये क्या हो गया हमारा फिफ्टीन हो गया अब सेवन अब टू के टेबल में फिफ्टीन आता है क्या नहीं आता है उससे छोटा नंबर कौन सा आता है उससे उससे पास का छोटा नंबर मीन्स कि उसका नियरेस्ट नंबर कौन सा आता है वो आता है फोर्टीन और वो कितने टाइम्स में आता है सेवन टाइम्स में आता है तो सेवन आ जाएगा ऊपर एंड फोर्टीन आ जाएगा नीचे देन हमें क्या करना है माइनस करना है फाइव में से फोर गया तो वन एंड एंड सॉरी वन में से वन गया तो जीरो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझा होगा और अगर डाउट होगा तो क्या करेंगे कमेंट करेंगे और अगर अच्छी तरह से समझ रहा है तो क्या करेंगे लाइक करेंगे एंड फिर भी कमेंट करेंगे कि हमें अच्छी तरह से समझ गया ताकि मुझे पता तो चले कि आप लोगों को समझ रहा है कि नहीं ओके अब क्या करते हैं हम हमारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ओके सो so, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा थ्री से डिवाइड देना है टू को थ्री से किस को डिवाइड देना है टू को जो कि बहुत ईजी है जैसे हम इन दोनों क्वेश्चन में किए वैसे ही इसमें भी करेंगे सो so, सबसे फर्स्ट क्या करना है हमें वन नंबर देखना है फर्स्ट नंबर देखना है जो कि टू है और थ्री यहाँ पे बड़ा है अब क्या थ्री के टेबल में टू आ सकता है नहीं आ सकता है तो क्या करेंगे हम हम करेंगे जो कि यहाँ पे हमने किया जीरो से डिवाइड तो हमने यहाँ पे दे दिया जीरो से डिवाइड ओके okay? और ऊपर क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा ओके okay? अब क्या करना है हमें माइनस करना है टू में से ज़ीरो को माइनस कर देंगे तो नीचे आ जाएगा टू और ऊपर का सेकेंड नंबर जो है हमारा वो कहाँ आ जाएगा यहाँ आ जाएगा और अब ये क्या बन गया अब ये बन गया ट्वेंटी फोर अब हमें सोचना है क्या थ्री के टेबल में ट्वेंटी फोर आता है यस आता है बट कितने टाइम्स में आता है 3 के टेबल में एट टाइम में क्या आता है ट्वेंटी फोर आता है तो एट आ जाएगा ऊपर एंड ट्वेंटी फोर में से ट्वेंटी फोर जाएगा तो जीरो अब हमारा आ रहा लास्ट क्वेश्चन लास्ट नंबर ये जो कि है टू और वो कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा फिर से वही काम वही प्रॉब्लम क्या टू आता है थ्री के टेबल में नहीं आता है तो फिर से हम क्या करेंगे उसको जीरो से डिवाइड देंगे ओके okay? सो so, से डिवाइड देंगे तो यहाँ भी आ जाएगा जीरो और ऊपर भी आ जाएगा जीरो क्या करना है हमें उसको माइनस करना है अब टू में से जीरो गया तो टू आ जाएगा ओके okay? सो so, हमारा रिमाइंडर आ जाएगा टू और ऊपर हमें मिल जाएगा जी, जीरो एट एट जीरो मीन्स की एट्टी ही मिल जाएगा ओके सो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझा हो अब हमारा लास्ट एग्जाम्पल ओके सो हमारा फोर्थ एग्जाम्पल फोर्थ एग्जाम्पल में हमें क्या दिया हुआ है हमें फाइव से डिवाइड देना है फोर्टी सॉरी फोर फाइव जीरो सॉरी फाइव को फोर फिफ्टी फाइव को मतलब कि अब आप लोग जीरो से भी इसको डिवाइड दे सकते हैं एंड हम क्या कर सकते हैं टू नंबर से भी डिवाइड दे सकते हैं जैसे कि यहाँ भी हम ऐसा कर सकते हैं टू नंबर से भी डिवाइड दे सकते हैं आंसर आपको सेम ही मिलेगा बस आगे में जीरो नहीं मिलेगा वैसे ही एग्जाम्पल सेम ये भी है यहाँ पे भी ऐसे ही है आपको आपने अगर टू नंबर से एक साथ डिवाइड दिया तो आपको ऊपर में ज़ीरो नहीं मिलेगा ओके और ज़ीरो के आने और ना रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता ओके क्योंकि वो आगे में है ओके और अगर पीछे ज़ीरो होता है तो वो वैल्यू होता है उसका बट आगे है तो कुछ वैल्यू नहीं है उसकी सो so, हम टू नंबर से भी डिवाइड दे सकते हैं एंड वन नंबर से भी डिवाइड दे सकते हैं बट आप लोगों को आपके बुक में क्या बताया गया है कि आपको वन वन स्टेप से ही डिवाइड देना है ओके सो so, हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाएंगे तब हम क्या करेंगे टू टू नंबर से डिवाइड देना भी सीख लेंगे वो भी बहुत इजी है सेम ही होता है ओके सो so, क्या करते हैं फाइव से क्या फोर आता है फाइव के टेबल में नहीं आता है तो क्या करेंगे हम जीरो से डिवाइड देंगे सो so, जीरो नीचे और जीरो ऊपर अब क्या हो जाएगा अब होगा माइनस फोर में से जीरो जाएगा तो क्या बच जाएगा फोर सो फोर नीचे आ गया और ये ऊपर से नीचे आ गया और ये क्या बन गया फोर्टी फाइव ओके अब क्या सोचना है क्या फाइव के टेबल में फोर्टी फाइव आता है यस yes, आता है बट कितने टाइम्स में आता है नाइन टाइम्स में आता है ओके सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा नाइन एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा फोर्टी फाइव देन क्या करना है सॉरी जिसमें हम मास्टर है क्या माइनस सो फाइव में से फाइव गया तो जीरो फोर में से फोर गया तो जीरो अब हमारा कौन सा नंबर ऊपर है फाइव ऊपर है जो कि यहां आ जाएगा और क्या बन जाएगा फाइव यहाँ पे आके फाइव ला दिया हमने यहाँ पे ओके okay. अब क्या करना है फाइव सोचना है फाइव सोचने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि फाइव के टेबल में तो फाइव ऑफकोर्स आएगा कितने टाइम्स में वन टाइम्स में तो ऊपर वन आ जाएगा एंड नीचे फाइव आ जाएगा और लास्ट में क्या करना है हमें माइनस करना है फाइव में से फाइव जाएगा तो ज़ीरो हमारा रिमाइंडर क्या मिला हमें ज़ीरो ओके एंड ऊपर हमारा आंसर क्या आया नाइन्टी वन ज़ीरो नाइन वन जो कि होता है 91। ओके सो आई होप आप लोगों को ये चारों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा हो और अगर अच्छे से समझा तो प्लीज़ लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो एंड आपके जो भी फ्रेंड्स हैं आपके जो भी रिलेटिव हो फ्रेंड्स हो जो भी हो आपके जो कि फोर्थ स्टैंडर्ड में हो या फिफ्थ स्टैंडर्ड में हो उनको प्लीज़ वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी आपके जैसे अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके ओके okay? सो so, तब तक के लिए बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में